मुझसे मुकाबला करोगे? मुझसे मुकाबला करोगी तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और तुम्हारी और इस बच्चे की परवाह किए बगैर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। मैं शकीला बात कर रही हूँ, रानिया की नानी से बात हो सकती है? सलीमन के हाथ रिश्ते का कहलवाया था मैंने। जी जी मैं ही बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? जी मेरी सलीमन से बात हुई थी, मैं खुद शादी के इस चक्कर से ना जल्दी से जल्दी फारिग होना चाहती हूँ। आप ऐसा करें, लड़की की तस्वीर और मालूमात भेज दीजिए ताकि मैं पता करा लूं। ऐ मेरे परवरदिगार, जिस आजमाइश से मेरी हानियां गुजर रही है तू जानता है, उसे उस मुश्किल से निकाल मेरे मालिक। फारूक को नेक अकल और हिदायत दे, उसके दिल में बीवी और बच्चे की मोहब्बत डाल। या अल्लाह मेरी रानिया का नसीब अच्छा कर, उसके लिए जो रिश्ता आया है उसे उसके लिए मुबारक कर, और उसे वहां शाद और आबाद रख। मेरे मालिक मुझे इतनी मोहलत देना कि मैं इन जिम्मेदारियों को निभा सकूं। रानी चाय? आप परेशान लग रही हैं, मगर मुझे बता नहीं। नहीं बेटा, मैं भला क्यों परेशान होने लगी? अच्छा तो फिर आप अपनी दुआ में क्यों रो रही थी? मैं तो हमेशा रोती हूँ, ये आंसू खुद ब खुद आंखों में आ जाते। मैं सोचती हूँ हानिया चली गई, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इसलिए तो कह रही हूँ नानी, मेरी शादी ना करना। अरे नहीं बेटा, बेटियों ने तो अपने घर रुखसत होके जाने ही है ना। अल्लाह तुम दोनों को अपने घरों में आबाद रखे। अच्छा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। जीते रहो बेटा। अतील, बेटा मैं सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह कर दूँ। इसी हफ्ते में? हाँ बेटा, वो रानिया की नानी है ना, बहुत ज्यादा बीमार हो रही हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि उनके सामने ही सब काम हो जाए। लेकिन अम्मी बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ सब हो जाएगा, सादगी से तो निकाह करना है, और वैसे भी कौन सा हमने उनसे जहेज लेना है। और फिर जो धूमधड़ का करना होगा ना वो घर लाके कर लेंगे। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक। जीता रहा मेरा बच्चा। हेलो नानी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया मेरी बच्ची, कैसी है तू? सब खैरियत है ना? जी नानी अम्मा, सब खैरियत है। आप परेशान मत हो, दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। नानी फारूक आज दुबई गए हैं काम के सिलसिले में, 4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। नानी मौका बहुत अच्छा है, आप लड़के वालों से बात करें रानिया की शादी के लिए, और इन्हीं 4 दिनों में शादी करें। 4 दिनों में? ये कैसे मुमकिन है? क्या मानेंगे वो? रानी आप कोई भी बहाना बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन प्लीज रानिया की शादी करवा दें। फारूक कह रहे थे कि उनकी जिंदगी में रानिया की शादी कभी नहीं हो सकती। अल्लाह क्या हो गया फारूक को?
इस तरह रानिया और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। रानिया की शादी कहीं और हो जाएगी तो वो खुद ही समझ जाएंगे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात रानिया माँ? हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप शाम तक मुझे इत्तला करें, फिर मैं फौरन आ जाऊँगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, वो अतील की माँ का फोन आ रहा था। पता कराया कुछ? मैं भूल ही गया था माँ जी, रात देर से आया था ना, तो याद नहीं रहा। मैं उसके दफ्तर खुद चला गया था। माशाल्लाह बड़ा शानदार ऑफिस है। वहां मेरे एक दोस्त मिल गए जो पिछले 7 साल से वहां काम कर रहे हैं, और उस लड़के के पड़ोसी भी हैं। वो बहुत तारीफ कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं लड़के से मिला तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। माशाल्लाह पढ़ा लिखा और मुझे बहुत पसंद आया। इसका मतलब है मैं निकाह के लिए हाँ कह दूँ? कब करना है माँ जी? 2 रोज बाद, जुमे वाले दिन। इंशाल्लाह। हेलो, मुझे लगता है कि हमें पहले से सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। वो लोग कह रहे थे कि शायद जुम्मे का दिन देंगे, और सलीमन का भी फोन आने वाला है। वैसे मुझे उनके मामू काफी अच्छे लगे, काफी तमीज के और पढ़े लिखे आदमी। मेरे ख्याल से उनका अपना बिजनेस भी है। हाँ, मामू तो वाकई बहुत अच्छे हैं। सलीमन भी तारीफ कर रही थी उनकी, लेकिन मानी बहुत तेज है उनकी। तभी तो बेचारी नानी अपनी जिंदगी में उसकी शादी करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलीमन खाला। हाँ हाँ अम्मा, यहीं पर है। अम्मा सलीमन खाला का। अरे बड़ी लंबी उम्र है सलीमन तेरी तो, अभी तेरा ही नाम लिया था। बोल क्या हुआ? अरे मुबारक हो शकीला, उन लोगों ने हाँ कर दी है और जुम्मे की तारीख भी दे दी है। भाई तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अब तो हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए ना। हाँ हाँ, भला टाइम ही कितना है। अरे तो कमबख्त जरा आ जाना मेरी मदद के लिए, अभी तो बहुत सारे काम पड़े। अच्छा अच्छा, आती हूँ। मुबारक हो बेटा, उन्होंने जुम्मे की तारीख दी है हमें। मुबारक अम्मी, लेकिन इतना जल्दी तैयारी? बेटा सारी तैयारियां हो जाती हैं, शादी का एक जोड़ा ही तो लेना है। बाकी जेवर तो मैंने बना के रखा हुआ है सारा। अम्मा मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे भी नया जोड़ा चाहिए शादी के लिए। अरे हाँ हाँ ले लियो, तू भी ले लियो, नब्बो के लिए भी लाऊंगी मैं नया जोड़ा। अरे भाई की शादी है आखिर को, नए जोड़े तो बनाएंगे ही, और फिर सब कुछ तो बना बनाया मिल जाता है बाजार में। बेटा इसीलिए तो मैं परेशान नहीं हूँ। जल्दी करो, बहुत सारे काम पड़े में। नाश्ता कर लो पहले। अरे ऐसा खा। अच्छा जी ठीक है, मैं आज ही आ जाऊंगी। क्या बात है, किसका फोन था? वैसे मेरे ख्याल फारूक का ही होगा, जब ही चेहरे पे इतने फूल खिल रहे हैं। आप ही रानिया का रिश्ता तय हो गया है और जुम्मे को निकाह है। अरे जुम्मे को इतनी जल्दी, मगर क्यों अचानक? दरअसल रिश्ता तो काफी पहले आ गया था, लेकिन नानी अम्मा ने किसी से बताना मुनासिब नहीं समझा। अपने तौर पर मालूमात करवा रही थी इसलिए। चलो अच्छा है, वो भी अपने फर्ज से फारिग हो जाएं, मगर इतनी जल्दी क्यों? आप ही लड़के की माँ बहुत बीमार है और वो उनके इकलौता बेटा है, तो बस वो यही चाहती हैं कि सादगी से निकाह करके रुख्सत करके ले जाएं। चलो फिर तो अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। आप ही मैं घर चली जाऊँ? अरे अपनी बहन की शादी है, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, ज़रूर जाओ। अगर फारूक को पता चल गया तो? अरे मैं इजाज़त दे रही हूँ ना। आपी, आप फारूक से अभी रानिया की शादी के बारे में कुछ मत कहिएगा, वो दुखी होंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में रानिया की शादी कर दी।
हम उन्हें फोन पे तो सारी बातें नहीं समझा सकते ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और अगर फारूक ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि नानी की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने खुद भेज दिया। फरत प्लीज समझने की कोशिश करो, शादी ब्याह में जबरदस्ती नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका जोड़ जिसके साथ बना रखा है ना, शादी उसी के साथ होती है। आप तो बस तकरीरें ही करते रहे। तकरीरें सुनाने के लिए तो मैं रह गई हूँ। दोनों भांजियों की शादी आपने कर दी है, अब एक बेटी की शादी नहीं हो सक रही। हाय मेरी बच्ची, कैसी रुकावट डाली हुई दुश्मनों ने तेरी शादी में। तुम क्या समझती हो मैं तैयबा से गाफिल हूँ? मैंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ते का बंदोबस्त कर रखा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दोस्त का बेटा है, बाहर काम करता है, बस वो नीम रजामंद है। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ सच। मैं इसलिए नहीं बुला रहा उन लोगों को कि रानिया की शादी हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना हर बार मेरी बेटी का रिश्ता किसी और तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बस रानिया को रुखसत हो जाने दो, फिर देखो मैं अपनी बेटी की मंगनी और शादी किस धूमधाम से करता हूं। क्या करूं फरहत, इस वक्त यही तरीका है तुम्हें समझाने का ताकि तुम रंग में भंग न डालो, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल रहा हूं। अरे आ रही हूँ, सच्ची टांगे टूट गई चल चल के। शुक्र है अम्मा, दो दिन में शॉपिंग खत्म कर ली हमने। अरे हाँ, आजकल तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है बाजार में, बस इंसान के पास पैसा होना चाहिए। अम्मा भाई मेरी चूड़ियाँ रह गई। हाय हाय, तो अदील के साथ जाकर ले आई हो, रो क्यों रही है? अम्मा इसे छोड़, ये बता भाभी की शॉपिंग मुकम्मल हो गई ना? हाँ ना, वो लिस्ट बना कर नहीं लेकर गई थी मैं, उसी के मुताबिक सारा सामान ले आई हूँ मैं तो। बस ये मैं बता दूँ, कल से घर का मैं कोई काम नहीं करने वाली, कल तो मैं बस सैलून पे ही जाऊंगी। हाँ ना, चली जाना। अम्मा मैं भी तो जाऊंगी ना पार्लर। अरे हाँ ना, चली जाइयो, जा जाके पहले चाय तो बना, सच्ची टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। नप्पो दे, तू बना ले। अम्मा इसी कहना, पता तो है मेरी अपनी टांगे थकी हुई है। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ? वो मैं नानी अम्मा के लिए किचन में दलिया बना रही थी। बाकी लोग कहाँ थे, कोई और फोन नहीं उठा सकता था क्या? रानिया कहाँ थी? रानिया तो रानिया मामी के साथ नानी अम्मा की मेडिसिन लेने स्टोर पे गई है। अच्छा अच्छा ठीक है, नानी अम्मा को बता देना मैंने खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। जी अच्छा। अच्छा मैं रात में फिर फोन करूंगा, तुम ऐसा करना कि रानिया से बात करवाना। रानिया से? हाँ ना रानिया से, समझी नहीं क्या?
अगर ये मेरे बस में होता ना तो मैं ये कब का कर चुका होता काम। कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहता? तो आप बात क्यों नहीं करते अपने जानने वाले से? जानने वाले से? कौन से जानने वाले से? आप फिर भूल गए जिससे तब्बो के रिश्ते की बात की है। और मामू मेरा गेम। अरे हाँ भाई, आपका गेम भी लेके आ गया हूँ। ये बताएं आपकी मामा गए? वो तो सो गई, उनके सर में दर्द था ना इसलिए। तो आपको पता है मामू, हम लोग रानिया बाजी की शादी में गए थे, हमने बहुत मजे किए। रानिया की शादी हो गई? से